Yeah, come over there. एक पद रिक्त होता है तो पद भर लिया जाता है, लेकिन श्री बिजू पटनायक के निधन से हमारे राष्ट्रीय जीवन की जो क्षति हुई है शायद वो कभी पूरी नहीं होगी। कल तक वहां बैठे थे, आज हम श्रद्धा के सुमन समर्पित करके संतोष कर रहे हैं। उनका विराट व्यक्तित्व, उनका विशाल हृदय खतरों से खेलने का उनका स्वभाव, आकाश में उड़ने का उनका शौक और दायित्व, स्वभाव में एक मस्ती, खरी बात कहने और सुनने की आदि, लेकिन कभी कटुता को उन्होंने मन में पलने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने और प्रधानमंत्री जी ने श्री बिजू पटनायक के बहुआयामी व्यक्तित्व को शब्दबद्ध किया है, अनेक बातें मैं दोहराना नहीं चाहता। मुझे भी थोड़े काल खंड के लिए उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। एक अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, और वो अफसोस इस बात का है कि आपात स्थिति के दौरान जब वो जेल में बंद थे और रोहतक की जेल में थे, तो उनका सत्संग करने का मुझे अवसर नहीं मिला। जेल में जो उनके साथी थे वो बताते हैं कि किस तरह से जेल में उन्होंने न केवल कष्ट सहन किया, हंसते हंसते जेल के जीवन को काटा और साथियों को हमजोली के रूप में उस घड़ी को एक महत्वपूर्ण घड़ी बनाने में मदद दी। जेल एक ऐसा स्थान है जब व्यक्ति का असली व्यक्तित्व सामने आ जाता है, उसके व्यक्तित्व की परत दर परत खुल जाती है। बिजू के साथ पीलू मोदी भी थे, दोनों समृद्ध घरों से आने वाले थे, अच्छे जीवन के आदि थे, लेकिन एक बार जेल में पहुंच गए तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। स्वतंत्रता के संग्राम में और एक उड़ाके के नाते उन्होंने जो संस्कार ग्रहण किए थे, शायद ये उनका फल था। जेल में वो स्टोर कीपर थे, जो भी जेल में बाहर से सामान आता था वो बिजू पटनायक के कब्जे में सौंप दिया जाता था, जिससे उसका योग्य वितरण हो सके, उचित वितरण हो सके। उन्होंने कभी इसमें लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया। वह आधुनिक उड़ीसा के निर्माता थे, औद्योगिकरण के शिल्पी थे। आज अगर उद्योग के क्षेत्र में उड़ीसा ने जो प्रगति की है, वो बिजू बाबू की दूरदर्शिता का और उनके प्रयत्नों का परिणाम है। श्री बिजू के निधन से अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी और टूट गई।
अगर मैं कहूं कि एक युग की समाप्ति हो गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की है उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। उनके परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति भगवान दे, ये प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। उनके व्यक्तित्व के बहुत से अनछुए पहलू हैं जो कभी उद्घाटित होंगे। आज तो हम उनके निधन से अपने को बहुत अकिंचन पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हज यात्रियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उस अनुपात में हम शायद प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। जो विदेश गए थे और पुण्य का लाभ करने गए थे उन्हें इस तरह से एक त्रासदी का शिकार होना पड़ा, ये सचमुच में बड़े दुख की बात है। सऊदी अरेबिया की सरकार जरूर इस मामले की जांच करेगी, लेकिन कई दिनों तक, कई घंटों तक घर वाले किसी से संपर्क नहीं कर सके, न दिल्ली में न बम्बई में। ऐसा लगता है कि प्रबंध की कमी यहाँ पर भी है। अभी प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिए हैं उनसे लोगों को संतोष होना चाहिए, लेकिन भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए इसका प्रबंध करने की भी आवश्यकता है। मैं उनके जो हज यात्री वहाँ निधन को प्राप्त हुए हैं, मैं उनकी स्मृति में भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।